हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई, जो एक बार आप खाओगे तो इसे बार बार बनाकर खाओगे। हाँ फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्वादिष्ट है, और यह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 स्पून घी, जो कि मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये मैंने गाय का घी लिया हुआ है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। तो देखिए, मैंने ये 2 बड़े चम्मच इसमें घी डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना 1 ग्लास दूध। तो फ्रेंड्स, हमें अपने दूध को गर्म कर लेना है। देखिए, हमारा दूध हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालती जाऊंगी और इसे हिलाती जाऊंगी। आपको ये प्रोसेस ज़रूर करनी है, वरना आपकी मिल्क पाउडर में लम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर से ही बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप एक बार बनाओगे तो आप हलवाई की दुकान से मिठाई लाना बिल्कुल भूल जाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मिल्क पाउडर सारा डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ है, और अब मैं इसे अच्छे से अपने दूध के अंदर मिक्स कर लूँगी और इसे इसी प्रकार हिलाते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं और आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, अब तो नॉर्मली बच्चों को आंगनवाड़ी में भी मिल्क पाउडर मिलता है, आप उससे भी ये मिठाई बना सकते हो। और मेरी वीडियो में बहुत सों के कमेंट आए हुए हैं कि आपने अपने मिठाई में चीनी नहीं डाली। तो फ्रेंड्स, इस जो मिल्क पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, उसमें चीनी पहले से ही अवेलेबल होती है। मार्केट से आप किसी भी तरह का मिल्क पाउडर ला सकते हो, मीठा भी आता है और थोड़ा सा लाइट मीठे का भी आता है। तो फ्रेंड्स, जो मैं इसमें मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ वो मीठा रहता है पहले ही, उसमें ऑलरेडी शुगर मिक्स होती है, तो इसलिए मैं इसमें शुगर नहीं डालती हूँ। और जो आपको मिल्क पाउडर आंगनवाड़ी से मिलता है, उसमें भी ऑलरेडी शुगर होती है, उसमें भी आपको चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बिना ही चीनी के बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा तैयार हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई तैयार हो जाती है उसमें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैं इसे इसी तरह हिलाते मैं इसे मिठाई के कंडीशन में ला रही हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ही टाइट हो जाता है जब यह गैस पर इसी तरह रखा रहेगा और हम इसे हिलाते रहेंगे। बाकी इसे हिलाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे रुक गए हिलाने से तो नीचे की तरफ यह काफ़ी चिपक जाता है। तो इसी कंडीशन में मैं इसमें 1 स्पून घी और डाल दूंगी और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें घी डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसी प्रकार इसे हिलाती रहूंगी। तो जब तक आपका डो यह टाइट नहीं हो जाता, आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई हो तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसके लिए, इससे आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो हम अपनी मिठाई को अब कुछ अलग कलर देंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 पिंच फूड कलर। ये मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया हुआ है। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी फूड कलर। यह नॉर्मली आपको परचून की दुकान से मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हलवाई इसे बूंदियों में भी डालते हैं और इसे जलेबियों में भी डाला जाता है। तो देखिए, मैंने ये पानी में ऐड कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारी मिठाइयों का कलर चेंज हो चुका है। देखिए, येलो कलर की हो चुका है हमारा सारा पेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाते रहूँगी। अभी ये मिठाई की कंडीशन में बिल्कुल नहीं आया है, मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, घी इसमें जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप, उतनी ही आपकी मिठाई तो स्वादिष्ट बनेगी, साथ में यह बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना आप इसे हिलाओगे उतनी ही आपकी मिठाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर और मैं डाल देती हूँ।
फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मिठाइयों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे बिना ही ड्राई फ्रूट के बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नॉनस्टिक कढ़ाई में ये चिपकते भी कम है और ये बनते भी बहुत ही इजी तरीके से है और जल्दी बनकर तैयार होती है। लेकिन अगर आपके पास नॉनस्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल बर्तन में भी बड़े आसानी से इसे बना सकते हो। उसके लिए बस आपको इसमें घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो हमारा पेस्ट बिल्कुल मिठाई जैसा रेडी हो चुका है। कुछ ठंडा होने के बाद खुद ब खुद टाइट हो जाता है, तो मैं इसे इसी प्रकार का रखूंगी। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में या फिर थाली में, या फिर आपके पास मिठाई की कोई भी ट्रे हो आप उसमें भी इसे निकाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब एक थाली ले लेती हूँ और अब मैं इसे घी से ग्रीस कर लूँगी। मैं इसमें 1 स्पून घी डाल दूँगी और अपने घी को चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। तो देखिए, मैंने घी को चारों तरफ फैला लिया है और अब हम डालेंगे अपना पेस्ट इसमें। तो देखिए, मैंने इसमें पेस्ट डाल लिया है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगी कि ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है, अच्छी बनती है कि इसे आपने अगर एक बार घर पर बनाकर इसे ट्राई किया तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे और यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी तो बनती है, साथ में इसका स्वाद इतना अच्छा होता आता है कि आप हलवाई की मिठाई को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से ऊपर से टैप कर दिया है ताकि ये एक जैसी हो जाए चारों तरफ से, और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी ठंडा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसे दबाकर दिखा रही हूँ और अब हम इसके गार्निश के लिए इसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर फॉइल। जिससे कि हमारी मिठाई दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और फ्रेंड्स, जितनी ये दिखने में अच्छी दिख रही है उतने खाने में तो अपने आप ही बनी हुई है स्वादिष्ट। तो देखिए, मैं इस पर धीरे धीरे इसी तरह सिल्वर फॉइल लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर लगा सकते हो। तो अब हम इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस कटर से काट रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप गिलास भी ले सकते हैं या कोई कटोरी, छोटी कटोरी हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, और इसे अंदर से दबा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी गोल मिठाई तैयार कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी अपनी मिठाइयों को इस प्रकार काट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कितने स्वादिष्ट और कितने अच्छे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश के लिए इसके ऊपर लगाएंगे। ये भी ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। नॉर्मली ये सभी के घर में अवेलेबल होते हैं क्योंकि हलवे में हम काजू बादाम डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे।